आज से बहुत ही भव्य कलश यात्रा है पहले तो, और उसके बाद कल से श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ होगा। और कल जो होगा वो सुखदेव जी का अवतार की कथा सुनाई जाएगी, जो बहुत ही ज्ञानवर्धक होगी। सभी भक्तों को बहुत ही अच्छा लगेगा। हमारे भागवत पुराण का जो मुख्य है सुखदेव जी, जिन्होंने राजा परीक्षित जी को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई है, तो कल उनका अवतार होगा और कल तो यही कथा होगी। उसके बाद प्रतिदिन एक ना एक उत्सव होता जाएगा। मैडम, ये कथा को अब वाचन करने के लिए आप जा रही हैं तो विधि विधान से? हाँ जी, विधि विधान से ही कथा हो रही है। और हमारे साथ बहुत ही बड़े बड़े कर्मकांडी पंडित भी हैं। 21 पंडित इसमें जाप कर रहे हैं। और हमारे नित्यानंद तिवारी पंडित जी हैं, राकेश पंडित जी हैं, जो कि बहुत ही पढ़े लिखे, वाराणसी वगैरह के अध्ययन उन्होंने किया है, संस्कृत व्याकरण का, ज्योतिष कर्मकांड का। ऐसे पंडित हमारे साथ हैं जो कि बहुत ही विधि विधान के साथ श्रीमद् भागवत कथा का पूजन पाठ करेंगे। और आप सबकी भक्तों की दुआओं से ये बहुत ही सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन संपन्न होगा। पहली बार तो नहीं, मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत ही महान ज्योतिष कर्मकांड और भागवत पुराण के जो प्रवक्ता हैं मेरे पिताजी पंडित विष्णु प्रसाद शुक्ला जी, उनकी मैं सुपुत्री हूँ। और मेरे पिताजी तो बचपन से ही बहुत जगह उन्होंने भागवत कथाएं की, अभी भी करते हैं, और उन्हीं के सानिध्य में हमने भागवत कथा शुरू की थी। जब मैं 5 वर्ष की थी तो पिताजी के दिन में भागवत कथा हुआ करती थी और मैं रात में प्रवचन किया करती थी। तो जब मैं 5 वर्ष की थी तब से ही ये अवसर मिला। कल हमने बताया है कि कल भागवत जी की बैठकी होगी, पूजन पाठ होगा, उसके बाद भागवत कथा का शुभारंभ होगा और उसमें श्री सुखदेव जी महाराज का अवतार अमर कथा। भोपाल में लॉकडाउन रहेगा तो कथा आपकी चालू रहेगी कि बंद रहेगी? भोपाल में तो लॉकडाउन रहेगा तो भक्त ज्यादा तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जो हमारे कैंपस में तो उनको डिस्टेंस में हम बिठाएंगे, मास्क वगैरह का पूरा उपयोग करेंगे और कथा का तो शुभारंभ करेंगे। बहुत ही ज्यादा डिस्टेंस समय, कल का समय जो रहेगा वो तो सिर्फ 1 घंटे की कथा होगी, तो 4 बजे से 5:30 बजे। ठीक है, शासन की गाइडलाइन का कितना ध्यान रखेगा? बहुत पूरा ध्यान रखा जाएगा। शासन की जो गाइडलाइन हमें मिली है हम पहले उसका ध्यान रखेंगे और उसी को ध्यान में रखते हुए ही ये धार्मिक आयोजन किया जा रहा है। पहले से सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पे पालन किया जा रहा है।
अशोक। हाँ।